बच्चों इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं सीमा किसी फलन की सीमा के बारे में यहाँ पर बात होगी माना कि x एक चर राशि है और a एक अचर राशि है x क्रमशः ऐसे मान ग्रहण करता है जो कि a के निकट होता जाए तो हम यह कहते हैं कि x जो है वो a की ओर अग्रसर हो रहा है यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है कि जब x a की ओर अग्रसर होता है तो x नॉट इक्वल टू a होता है एग्जैक्टली exactly x a के बराबर नहीं हो रहा है, x a की ओर अग्रसर हो रहा है y f(x) अगर x equal to a पर परिभाषित है तब उसकी हम सीमा ज्ञात कर सकते हैं और अगर फलन x equal to a पर अपरिभाषित है तो उस फलन की सीमा ज्ञात नहीं की जा सकती क्योंकि वह फलन उस बिंदु पर परिभाषित नहीं है तो जिस प्रकार x का मान a की ओर बढ़ता है तो f(x) फलन का मान जिस निश्चित संख्या की ओर बढ़ता है उसे उस फलन की सीमा कहते हैं तो आगे हम चल करके देखेंगे कि सीमा का अर्थ क्या होता है उससे संबंधित कुछ प्रमेय जिसका कि उपयोग हम प्रश्नों को सरल करने के लिए करेंगे और सीमा ज्ञात करने के लिए जब अलग अलग स्थितियाँ होंगी जिसमें कुछ अलग अलग प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जिसमें पहला प्रश्न मिलेगा बहुपद फलन बहुपद फलन होगा जिसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे दूसरे बाद में बहुपद फलन होगा जो कि पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म पर होगा तो वहाँ पर आप कुछ पदों को उभयनिष्ठ निकाल करके विलोपित करेंगे और उसके बाद उसके मानों को रख करके सरल करेंगे उसके बाद कुछ स्थानों में आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे जहाँ पर अनिर्धार्य रूप आ जाएगा वहाँ पर आप परिमेयकरण विधि का उपयोग करेंगे इस प्रकार बहुत सारे यहाँ पर प्रमेय हैं जिस प्रमेयों का उपयोग करके हम फलन की सीमा ज्ञात करेंगे तो आइए शुरू करते हैं यह अध्याय फलन की सीमाओं के मान ज्ञात करने के लिए हमें कुछ प्रमेयों की आवश्यकता होती है कुछ ऐसे प्रमेय होते हैं जिसको हम बिना प्रमाण के ही स्वीकार कर लेते हैं जो कि कुछ इस प्रकार है लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स तो अगर कोई फलन है फंक्शन है जो कि दोनों अलग अलग एक्स पर डिपेंड करते हैं एक्स पर निर्भर करते हैं और लिमिट में ही एक्स जो है वो एक ही ओर टेंस्ट कर रहा है अग्रसर हो रहा है तो उन दोनों को अलग अलग लिमिट अप्लाई करके सीमा लगा करके योग के रूप में लिखा जा सकता है इसी तरीके से यदि लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है तो ये इक्वल टू होगा लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स यहाँ पर दो फलन हैं जो कि अलग अलग अंतर में हैं जैसे कि एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो दोनों में अलग अलग हम सीमा लगा करके लिमिट अप्लाई करके उसको अंतर के रूप में हम लिख सकते हैं इसके बाद हमारा अगला प्रमेय है कि लिमिट एक्सटेंस टू ए सी इंटू एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू सी इंटू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स यहाँ पर सी जो है यह अचर राशि है जो कि एक्स से स्वतंत्र है तो इस तरीके से x के जो स्वतंत्र पद है जो कि c है वो बाहर आ जाएगा उसके बाद जो फलन जो फंक्शन है जो कि x पर डिपेंडेंट है उस पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट को इसके बाद अगला हमारा प्रमेय है लिमिट x टू ए एफ ऑफ एक्स इन टू जी ऑफ एक्स तो ये दोनों फलन अलग अलग एक्स पर निर्भर करते हैं और दोनों गुणा के रूप में हैं और उस पर हमें सीमा लगाना है हम तो इसको दोनों में अलग अलग सीमा लागू करके दोनों को गुंडन के रूप में लिखा जा सकता है जो कि बराबर है लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इन टू जी ऑफ एक्स इसके बाद अगला प्रमेय है कि लिमिट किसटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स यदि लिमिट यदिवल टू जीरो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग फलन भाग के रूप में है और हमें उसमें लिमिट को अप्लाई करना है तो अंश में और हर में दोनों में अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी लेकिन शर्त यही है कि लिमिट को हर में अप्लाई करने पर डिनोमिनेटर में अप्लाई करने पर वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए और इसके बाद अंत में एक प्रमेय है यदि एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स तो फिर लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स इज लेस इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ कहने का यदि दोनों साइड हम लिमिट अप्लाई करते हैं लिमिट एक्सटेंस टू ए तो उस इनिक्वलिटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा तो लिमिट एक्सटेंस टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू ए जी ऑफ एक्स हो जाएगा अब हम आगे चलते हैं सीमाओं को ज्ञात करना एलिवेशन ऑफ लिमिट्स फलनों की सीमा जब x एक परिमित राशि एक की ओर प्रवृत्त होती है तो उसे ज्ञात करने की कुछ विशेष विधियां हैं कुल चार विधियां होती है जिसको हम एक के बाद एक हम देखेंगे तो इसी को कहा जाता है कि एक्स टेंस टू एक्स जो है वो ए की ओर प्रवृत्त हो रहा है तो पहली स्थिति है कि यदि एफ ऑफ एक्स एक बहुपद फलन है, है ना? तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन और लास्ट हमारा टर्म है प्लस ए एन एक्स का पावर एन जब इसमें zero, x, हम लिमिट अप्लाई करेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो के हम यहाँ पर डायरेक्टली एक्स की जगह में हम जीरो अप्लाई कर देंगे तो पहले पद को छोड़कर बाकी शेष पद जो है वो शून्य के बराबर हो जाएगा तो इसलिए यहां पर हमें मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो या ए नॉट दूसरा विधि है गुणनखंडों की विधि या फिर मेथड ऑफ फैक्टर्स यदि एक फलन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स इस रूप का है अर्थात फलन जो है वो अंश में एक फलन है और हर में एक फलन है तो इस पे हम जी एक्स और एच एक्स का गुणनखंड में विभाजन करेंगे और फिर उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है उसको हम कैंसल कर देंगे उसके बाद फिर फिर हम एक्स का मान रखते हैं इसके बाद तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि या फिर मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यहां पर एक फलन है लिमिट टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई ऑफ एक्स इसका मान हम ज्ञात करेंगे उसको तो ज्ञात करने के लिए तीन अलग अलग स्टेप्स होंगे जिसमें पहला स्टेप यह होगा कि हम एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच यह रखेंगे जहां पर h जो है वो छोटा है छोटी राशि है किंतु यह शून्य के बराबर नहीं है अब जब x जो है वो एक की ओर टेंस्ट करता है तो h जो है वो जीरो की ओर टेंस्ट करेगा अर्थात जैसे x जो है वो एक की ओर प्रवृत्त होता है तो h का मान शून्य की ओर प्रवृत्त होगा इसका दूसरा स्टेप है कि अंश व हर को सरल कर लेंगे और एच का जो मान है उसको हम कैंसिल कर देंगे या एच को कैंसिल कर देंगे अंश और हर से तीसरे स्टेप में हमको करना होगा कि अब हम एच इज इक्वल टू जीरो रख देंगे जिससे अभिष्ट सीमा हमको प्राप्त हो जाएगी इसके बाद हमारा अंतिम मेथड है परिमेयकरण की विधि मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन। वर्गमूल युक्त गुणनखंड का हम परिमेयकरण करते हैं और सरल करने के बाद में हम एक्स का मान रख देते हैं तो हमें वह मान प्राप्त हो जाता है या हमें उस फलन की सीमा प्राप्त हो जाती है चलिए आगे हम देखते हैं कुछ प्रश्न जिसको कि हम इन विधियों का उपयोग करके सरल करेंगे प्रश्न है कि निम्न के सीमाओं के मान ज्ञात कीजिए इसमें हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने जितने विधियों का अध्ययन किया है उन विधियों को हम यहाँ पर उपयोग करने वाले हैं तो पहला हमने देखा था कि बहुपद फलन का गुणनफल किस प्रकार ज्ञात करते हैं तो उसके लिए प्रश्न है कि लिमिट एक्स टेंस टू वन ठीक है ये है थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव यहाँ पर फलन जो है वो यहाँ पर फंक्शन में जो एक्स है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर है डिनोमिनेटर में ऐसी कोई राशि नहीं है जैसे ये अनिर्धार्य रूप ले ले जैसे कि जीरो बाई ज़ीरो या समथिंग अपॉन जीरो तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसमें लिमिट अप्लाई कर सकते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स एक्सटेंस टू वन पहले तो आप थ्री एक्स स्क्वायर लिखेंगे इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे इसी तरीके से लिमिट एक्स एक्सटेंस टू ए यहाँ पर वन है आप फोर एक्स लिखेंगे और ये टर्म तो फ्री है एक्स से तो इसको हम डायरेक्टली फाइव लिख सकते हैं अब देखिए हमने पढ़ा था कि लिमिट एक्स एक्सटेंस टू ए सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी इंटू लिमिट एक्सटेंस टू ए एफ ऑफ एक्स ये आपने पढ़ा था ना लिमिट टेंस टू ए सी इन टू एफ ऑफ एक्स तो कांस्टेंट हम बाहर आ जाता है उसके बाद हम यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करते हैं है ना तो ये यह यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे ये अप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा थ्री बाहर आ जाएगा और फिर लिमिट टेंस टू वन हो जाएगा और फिर ये है एक्स स्क्वायर इसी तरीके से कांस्टेंट है फोर ये बाहर आ जाएगा और लिमिट एक्सटेंस टू वन एक्स मिल जाएगा और ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है अब देखिए जहाँ पर आप एक्स एक्स की जगह में आप सीधा वन रख देंगे तो वन का स्क्वायर मिल जाएगा वन वन इंटू थ्री करेंगे तो आपको मिल जाएगा थ्री इसी तरीके से ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर अगर आप एक्स इज इक्वल टू वन रखते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू वन मिल जाएगी तो वन इन फोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा फोर और ये फाइव ठीक है तो चार और तीन सात सात और पाँच को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा आपको बारह तो ये जो हमको फंक्शन दिया गया था कि लिमिट एक्स टेंस टू वन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव इसकी वैल्यू हमको मिल गई है बारह जो कि ज्ञात करने के लिए कहा गया था चलिए देखते हैं अब इसके बाद एक दूसरा प्रश्न ये है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो x माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फाइव दो तरीके से आप इसको सरल कर सकते हैं पहली बात यह कि x माइनस वन होल स्क्वायर जो दिया हुआ है इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए a माइनस बी होल स्क्वायर का उपयोग करके और फिर लिमिट अप्लाई कर सकते हैं या डायरेक्टली भी हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए इसको हम पहले एक्सपेंड कर लेते हैं तो लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होगा तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायेर प्लस वन और माइनस टू एक्स और ये प्लस फाइव लिमिट को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज पुट करके इस पर तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है नक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वन जो है वो फ्री फ्रॉम एक्स से कॉन्स्टेंटा हम इससे बाहर आ जाएगा तो ये फाइव प्लस वन को हम अलग से लिख लेंगे ये आपको मिल जाएगा सिक्स अब यहाँ पर आप सीधे इस पर वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं तो जीरो का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा जीरो माइनस टू इंटू जीरो करेंगे तो मिल जाएगा जीरो तो इसको हमको ज़ीरो लिखने की आवश्यकता नहीं है फाइव प्लस वन दैट इज सिक्स दैट इज इक्वल टू सिक्स तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने के लिए दिया गया था कि लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस फाइव इसकी वैल्यू हमको मिल गई सिक्स अब इसी को अगर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहें एक दूसरे डायरेक्ट मेथड से तो यहाँ पर इसको मैं मेथड टू इस तरीके से नाम दे रहा हूँ आप डायरेक्टली भी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो है और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस फाइव है डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर एक्स की जगह में आप ज़ीरो रखेंगे तो आपको मिल जाएगा सीधा माइनस वन ही मिल रहा है और माइनस वन का स्क्वायर और ये प्लस फाइव कॉन्स्टेंट है फाइव तो ये माइनस वन का स्क्वायर मिल जाएगा वन और ये प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू सिक्स तो यहाँ पर आपने देखा कि आप एक्सपेंड करके वैल्यू को पुट करिए या फिर यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करिए आपको आंसर वही मिलेगा तो ये दो अलग अलग बहुपद फलन थे जिसपे कि हमने सीधे मान रख करके सरल किया है अब आगे हम कुछ देखेंगे जिसमें हम गुणनखंड विधि का उपयोग करके कुछ प्रश्नों को सरल करेंगे तो हमारा अगला प्रश्न है ये है लिमिट एक्सटेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू तो इसमें हम लिमिट को एज इट इज पहले लिख लेंगे और न्यूमिनेटर में अंश में जो राशि आपको मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस फोर दैट कैन भी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर है ना ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर और डिनमिनेटर में जो क्वांटिटी है वो एक्स माइनस टू ही है अब न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म पर लिख सकते हैं तो आप लिखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू ए एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू और ये अपॉन में आएगा आपका एक्स माइनस टू ठीक है तो यहाँ से आपका एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू ये दोनों वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएगी मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं लिमिट टेंस टू टू है ना? यहाँ पर ए नहीं है बल्कि ये टू है तो लिमिट टेंस टू टू एक्स प्लस टू अब डायरेक्टली आप ये पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं तो आपको मिल जाएगा टू प्लस टू दैट इज़ फोर तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमको मिल गया कि लिमिट एक्सटेंस टू टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू दैट इज इक्वल टू फोर जो कि इसका आंसर है तो ये हमारी दूसरी विधि जिसमें हमने खंडों की विधि ऐसा हमने नाम दिया था तो न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर को हम पार्ट्स में स्प्लीट कर लेते हैं अगर वो खंड हो रहा है तो टर्म्स को कैंसिल कर लेते हैं कैंसिल होने के बाद जो पद शेष बच जाते हैं उसमें हम फलन के मान को सीधा रख करके आ, सीमा का उपयोग करके हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसमें एक और प्रश्न देखते हैं अगला क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स का पावर थ्री माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर तो अगर आप ध्यान दें तो एट जो है इसको हम टू का पावर थ्री ऐसा लिख सकते हैं सो दिस इज एक्स का पावर थ्री माइनस टू का पावर थ्री और डिनोमिनेटर में जो आपको मिल रहा है ये है एक्स स्क्वायर माइनस फोर तो यहाँ पर हमने देखा कि नोमिनेटर को एक्स का पावर थ्री माइनस टू का पावर थ्री इस फॉर्म में लिख सकते हैं उसी तरीके से डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहाँ पर दो सर्वसमिकाओं का हम उपयोग करने वाले हैं ये कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आपको पता है ये होता है ए माइनस बी इन टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में एक चीज़ और है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी इन दोनों का हम उपयोग करेंगे और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू टू न्यूमरेटर में एक्स माइनस टू होगा पहले तो ठीक है ए माइनस बी उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सो ए स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो मिल जाएगा टू एक्स और बी स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर आपको मिल जाएगा फोर इस तरीके से हमने न्यूमिरेटर को ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके फॉर्म में हमने उसको ब्रेक डाउन कर लिया ए माइनस बी इंटू ए ही स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पर ब्रेक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू ठीक है अब जो राशियाँ कैंसिल हो रही है उसको हम कैंसिल कर देंगे जैसे कि ये एक्स माइनस टू यहाँ से और ये एक्स माइनस टू दोनों टर्म कैंसिल हो गए ठीक है तो अब यहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करेंगे डायरेक्टली फंक्शन की हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट टेंस टू टू पहले एज इट इस लिख रहे हैं उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे ठीक है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और ये है आपका प्लस फोर देन होल अपॉन एक्स प्लस टू वैल्यू पुट कर दीजिए लिमिट को तो ये आपको मिल जाएगा टू स्क्वायर प्लस टू टू प्लस फोर देन होल अपॉन एक्स प्लस टू मतलब टू प्लस टू तो ये इसको सॉल्व करेंगे टू का स्क्वायर फोर ये भी फोर फोर तीन बार चार को हम जोड़ेंगे मिल जाएगा बारह और दो और दो को जोड़ेंगे मिल जाएगा चार बारह बटे चार सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा तीन तो इस तरीके से इस फंक्शन को जो हमको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा गया था इसकी लिमिट तो ये लिमिट एक्सटेंस टू टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है थ्री जो कि इसका आंसर है इस पर एक और प्रश्न हम सरल करके देखते हैं जहाँ पर यह है लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी और अपॉन में है एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव तो हम एक काम करते हैं इसके लिए हम एक रफ वर्क कर लेते हैं और फिर डायरेक्टली हम उसको उसके फॉर्म पर लिख करके सॉल्व कर लेंगे है ना तो पहला है एक्स स्क्वायेयर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी ठीक है इसको मध्य पद को तोड़कर हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं तो इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायेयर माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स प्लस ट्वेंटी कैसे करते हैं आपको पता है कि मध्य पद को जो हमने दो पार्ट में स्प्लिट किया है माइनस फाइव और माइनस फोर दोनों को गुणा करेंगे तो मिल जाएगा प्लस ट्वेंटी और वही हमको चाहिए था और माइनस फाइव एक्स माइनस फोर एक्स करेंगे तो मिल जाएगा माइनस नाइन एक्स फर्स्ट टू टर्म्स अगर आप एक्स कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा एक्स माइनस फाइव यहाँ पर फैक्टर बच जाएगा और लास्ट के दो टर्म टू टर्म्स में अगर आप माइनस फोर लेते हैं तो मिल जाएगा एक्स माइनस फाइव बोथ टर्म में आप, आपके पास है एक्स माइनस फाइव इसको आप कॉमन ले लीजिए तो हमारे पास जो टर्म बच रहा है यह है एक्स माइनस फोर ठीक है ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया इसी तरीके से अगर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो फाइव और वन इस फॉर्म में माइनस सिक्स को स्प्रिट कर सकते हैं स्प्लिट कर सकते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस एक्स और ये प्लस फाइव फर्स्ट टू टर्म से आप अगर आप एक्स को कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा एक्स माइनस फाइव और लास्ट टू टर्म से अगर आप माइनस वन कॉमन लेते हैं तो मिल जाएगा एक्स माइनस फाइव दोनों टर्म्स पे यहाँ पर एक्स माइनस फाइव को हम कॉमन ले सकते हैं और फिर ये एक्स माइनस वन आ जाएगा तो दोनों को हमने स्प्लिट कर लिया है अब यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली स्प्लेटेड फॉर्म पर भी हम सीधा वन लाइनर लिख सकते हैं तो यह है लिमिट एक्स टेंस टू फाइव एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी को हमने ब्रेक डाउन किया है एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस फोर पर ये अपॉन में है तो अगेन तो एक्स माइनस फाइव और ये आपका एक्स माइनस वन ध्यान दीजिए कि ये जो एक्स माइनस फाइव यहाँ पर है और ये एक्स माइनस फाइव यहाँ पर है दोनों सेम टर्म में कैंसल हो जाएगा और आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू फाइव अब ये है x माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस वन डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दीजिए तो मिल जाएगा फाइव माइनस फोर अपॉन फाइव माइनस वन न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा फाइव माइनस फोर करेंगे तो मिल जाएगा वन डेनोमिनेटर में फाइव माइनस वन करेंगे तो मिल जाएगा फोर तो इस तरीके से इस फंक्शन की लिमिट हमको मिल गई है वन बाई फोर तो इसको हम लिख सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू फाइव है ना एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव दैट इज इक्वल टू वन बाई फोर जो कि इस प्रश्न का उत्तर है तो हम कुछ ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं जिसपे अगर आप सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं वेरिएबल की जहाँ पर लिमिट हमको फाइंड आउट करना है जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है न और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए ये दोनों स्क्वायर रूट के अंदर में हैं और अपॉन में दिया गया है टू एक्स स्क्वायर तो अगर आप वैल्यू डायरेक्टली पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आपको ज़ीरो मिल जाता है और न्यूमरेटर uh, में आपको मिल जाएगा रूट ए माइनस रूट है दैट इज़ ज़ीरो तो एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पर अंश और हर दोनों में आपको शून्य शून्य मिल जाता है उसको लिखेंगे कि एक्स इक्वल टू शून्य रखने पर रखने पर शून्य बटे शून्य ठीक है का रूप धारण कर लेता है का एक्स इज इक्वल टू जीरो रखने पर फलन जीरो बाय जीरो का रूप धारण कर लेता है अतः परिमेयकरण का उपयोग करेंगे हम इसमें लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो इसका रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ एक्स प्लस ए अपन टू एक्स स्क्वायर है ना तो अब करेंगे क्या अंश में जो राशि है उसके संयुग्मी के साथ गुणा और भाग करेंगे इसका मतलब है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस ए इसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी क्वांटिटी से इसको डिवाइड करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस साइन में हो जाएगा एक्स प्लस ए अंश में अगर आप देखते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस तरीके से वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अब लिखेंगे लिमिट एक्सटेंस टू जीरो न्यूमिनेटर को सॉल्व करने पर मतलब अंश और हर को डायरेक्टली अगर हम गुणा करते हैं तो अंश में आपको मिल जाएगा ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब है स्क्वायर रूट हट जाएगा एक्स प्लस ए मिल जाएगा तो ये एक्स प्लस ए है ना, और डीनिनेटर में जो आपकी क्वांटिटी है दिस इज टू एक्स स्क्वायर ये इज इस रहेगा और ये है आपका ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में इसका रूट ऑफ ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए दोनों एक ही है इस तरीके से आप इसको लिखेंगे अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे है ना तो साइन चेंज हो जाएगा और ये आपको मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू ए और डिनोमिनेटर में तो वही क्वांटिटी है दिस इज टू एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में है ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स न्यूमरेटर में आपको मिल जाएगा ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स और ये माइनस ए अब माइनस ए और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा ये राशि इसके साथ कैंसल और ये राशि इसके साथ में कैंसल अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसल हो जाएगा ठीक है तो ये जो लास्ट में लास्ट वाला जो हमारा टर्म है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और उसको हम अगले पेज पर ले जाएंगे तो ये हम लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं और इसके बाद में आगे एक स्टेप पहले लिख लेंगे फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे है ना तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो न्यूमरेटर में है आपका एक्स स्क्वायर तो ये एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है टू एक्स स्क्वायर इन टू स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस रूट ओवर ए प्लस एक्स तो अब फिर से वही एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली जो क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिख रही है ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में अगर आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो यह शून्य का रूप धारण नहीं करेगा तो ये वन अपॉन टू इसका रूट ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस रूट ए प्लस एक्स है ना अब देखिए अगर शून्य रख देते हैं एक्स के जगह में तो ये पद शून्य ये पद शून्य यहाँ पर तो रूट ए है और यहाँ पर भी रूट ए है लिमिट डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा वन अपॉन टू है ना ये रूट ए प्लस रूट ए अगेन सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा टू रूट ए तो ये वन अपॉन टू इन टू टू रूट ए सॉल्व करने पर आपको मिल रहा है वन अपॉन फोर रूट ए ठीक है तो ये जो हमको प्रश्न दिया गया था वो इसका लिमिट हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं ये प्रश्न था लिमिट एक्स टेंस टू जीरो स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस ए और होल अपॉन में था टू एक्स स्क्वायर तो इसकी लिमिट आपको मिल गई है वन अपॉन फोर रूट ए सो दिस इज द आंसर अब इसी प्रकार चलते हैं अगले प्रश्न में जिसमें जिसमें पुनः इसी विधि का उपयोग करके हम प्रश्न को सरल करेंगे क्वेश्चन दिया गया है लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच तो आप लिखेंगे कि एच इज इक्वल टू जीरो रखने पर फलन जीरो बाई जीरो का रूप धारण कर लेता है तः परिमयकरण का उपयोग करेंगे ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो इसका रूट ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस रूट एक्स अपॉन एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच तो अंश में जो राशि है उसके संयुग्मी से गुणा और भाग करेंगे तो ये x प्लस एच प्लस रूट एक्स हो जाएगा इसी राशि से गुणा कर रहे हैं और इसी राशि के साथ में हम भाग देंगे ठीक है अब जब गुणा करेंगे तो न्यूमरेटर में या अंश में आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आइडेंटिटी या सर्व समीका का उपयोग करके सरल करेंगे तो मिल जाएगा x प्लस एच और ये मिल जाएगा आपको माइनस एक्स डिनिनेटर में है आपका h और ये है x रूट में एक्स प्लस एच और प्लस रूट एक्स तो अब फिर से ध्यान दीजिए कि प्लस एक्स और माइनस एक्स ये दोनों क्वांटिटी कैंसल हो जाएगी ये और ये और अगले टर्म में एच जो है वो भी कैंसिल हो जाएगा है ना तो उसका एक स्टेप लिख लेते हैं पहले फिर उसके बाद हम आगे उसको कैंसिल करेंगे सो दिस इज लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच अपॉन एच इसका रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अब इन दोनों एच और एच को कैंसिल कर दीजिए है ना उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ये एच और ये एच कैंसिल। अब लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स अब यहाँ पर अगर मान रख देते हैं तो ये अनिर्धार्य रूप धारण नहीं करता है तो डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये ये मिल जाएगा एक्स प्लस ज़ीरो दैट इज़ एक्स और ये एक्स दो बार रूट एक्स रूट एक्स है तो वन बाई टू रूट एक्स आपको मिल जाएगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में जब हमने लिमिट कैलकुलेट किया कि लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो इसका रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन रूट एच ये आपको मिल रहा है वन अपॉन टू रूट एक्स तो जब आप आगे अवकलन पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये ज्ञात होगा कि ये वर्गमूल एक्स का अवकलन ये उसका अवकलन है और ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो कि आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया था तो ये एक और प्रश्न लेते हैं जिसमें अंश और हर में दोनों में ऐसी राशियां होंगी जिनके संयुग में के साथ गुणा और भाग करके प्रश्न को आपको सरल करना होगा प्रश्न है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रूट ओवर ए प्लस टू एक्स माइनस रूट थ्री एक्स अपॉन रूट थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स और क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया गया है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ए जीरो के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू डायरेक्टली पुट करके देखते हैं है ना एक्स की वैल्यू पुट करके देख लीजिए ज़ीरो तो ये टर्म यहाँ पर आपको ज़ीरो मिल जाएगा ये वर्गमूल ए और ये तो ज़ीरो हो जाएगा और वैसे ही डिनोमिनेटर में अगर आप पुट करते हैं तो ये आपको रूट थ्री ए मिलेगा ये तो ज़ीरो हो जाएगा और ये भी ज़ीरो हो जाएगा है ना तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करने पर आपको ए अपॉन रूट ए अपॉन रूट थ्री ए ऐसा मिल रहा है तो रूट ए रूट ए कैंसिल हो जाएगा रूट थ्री इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो जहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू ज़ीरो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करते हैं तो आपको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अगर नहीं मिल रहा है ठीक है डिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिला तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं तो यहाँ पर सीधे आप वैल्यू पुट कर दीजिए है ना लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो तो पुट करने पर आपको क्या मिल जाएगा यह है रूट ए इंटू टू इंटू ज़ीरो माइनस रूट थ्री इंटू ज़ीरो अपॉन रूट थ्री ए प्लस जीरो और ये है टू रूट ज़ीरो तो यहाँ से आपको मिल जाएगा रूट ए और डिनोमिनेटर में रूट थ्री ए रूट ए रूट ए कैंसल आपको मिल जाएगा वन बाई रूट थ्री ये इसका आंसर है लेकिन यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को बदल दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू ए है ना लिमिट एक्सटेंस टू ए कर दिया जाए और ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है इसको हम रिप्लीकेट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है और अगर इसके लिए आपको लिमिट कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो एक्स इज इक्वल टू ए पुट करके देखिए तो यहाँ पर टू ए ये आपको मिल जाएगा टू ए टू प्ले टू ए प्लस ए दैट इज रूट थ्री ए यहाँ पर भी रूट थ्री ए मिल जाएगा न्यूमिनेटर में आपको मिल जाएगा जीरो उसी तरीके से अगर डिनोमिनेटर में अगर आप पुट करते हैं है ना तो ये रूट फोर ए तो टू रूट ए इस तरीके से ये टू रूट ए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में आपको ये ज़ीरो मिल जाता है यहाँ पर आप डायरेक्टली वैल्यू पुट नहीं कर सकते इसीलिए यहाँ पर आपको परिमीकरण का उपयोग करना है है ना क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशंस बदल जा रही है और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ठीक है इस क्वेश्चन को हम अगले पेज पर लेकर के सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन नंबर टेन तो आप लिखेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए रखने पर फलन शून्य बाई शून्य या का रूप धारण कर लेता है ठीक है अतः इस कंसेप्ट का फिर से परिमेयकरण करेंगे मतलब इस क्वेश्चन में फिर से हम परिमेयकरण करके आगे सरल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू ए है ना? न्यूमरेटर में है ए प्लस टू एक्स और ये माइनस रूट थ्री एक्स अपॉन रूट थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स तो न्यूमरेटर का जो कंजुगेट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर के साथ भी यही काम करेंगे ठीक है तो ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स है ना अगेन अपॉन ए प्लस टू रूट एक्स प्लस रूट थ्री एक्स ये तो अंश के परिमेय अंश का जो राशि है उसके संयुग्मी के साथ गुणा व भाग हो रहा है उसी तरीके से आप हर के संयुग्मी के साथ और गुणा और भाग करेंगे तो ये हो जाएगा इन टू रूट थ्री ए प्लस एक्स और ये प्लस टू रूट एक्स वैसे ही डिनोमिनेटर में भी आप वही लिखेंगे रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो आपको मिल जाएगा कि ये वाली जो राशि है है ना और इसके साथ में ये वाली राशि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है उसी तरीके से आप अगर दूसरा वाला टर्म देखें ये वाला टर्म तो ये और ये टर्म ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फॉर्म पर कन्वर्ट हो रहे हैं तो डायरेक्टली आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उस आइडेंटिटी का उपयोग करके डायरेक्टली आप उसका आंसर या उसको सॉल्व कर सकते हैं ना तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको लिख रहे हैं कि दैट इज़ इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए है ना तो दिस इज़ ए प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर मिल जाएगा फोर और स्क्वायर रूट का मिल जाएगा एक्स और इसके बाद में जो क्वांटिटी आपकी बची हुई है उसको एज इट इज आप यहाँ पर लिख दीजिए जैसे रूट थ्री ए प्लस एक्स और ये प्लस टू रूट एक्स और अपॉन में रूट ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स है ना अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ए टू एक्स माइनस थ्री एक्स करेंगे तो मिल जाएगा माइनस एक्स तो ये आपको मिल रहा है ए माइनस एक्स डिनोमिनेटर में आपको मिल रहा है थ्री ए माइनस थ्री एक्स है ना और फिर इनटू ये जो पूरा का पूरा टर्म है इस टर्म को हम यहां पर लिख लेते हैं अब देखिए कि यहाँ पर जो क्वांटिटी है a माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी आपको दिख रही है इसमें से आप थ्री को कॉमन ले सकते हैं थ्री को जब आप कॉमन लेंगे तो डिनोमिनेटर में भी ए माइनस एक्स ये राशि जो होगी ये बच जाएगी तो इसी को हम आगे लेकर के सॉल्व करते हैं सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए दिस इज ए माइनस एक्स अपऑन थ्री ए माइनस एक्स और फिर इन टू रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स और अपॉन में अगेन ए प्लस टू एक्स और प्लस रूट थ्री इंटू एक्स अब ये ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा ये और ये और वन बाई थ्री जो है ये कांस्टेंट है अब कांस्टेंट है तो वो फ्री फ्रॉम एक्स है उसको हम बाहर ले लेंगे और ये आपको मिल जाएगा वन बाई थ्री इसके बाद में आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ए रूट थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स है ना और डिनोमिनेटर में रूट ए प्लस टू एक्स और प्लस रूट थ्री एक्स डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं वन बाई थ्री ये है वन बाई थ्री और निमिनेटर में थ्री ए प्लस ए और प्लस टू रूट ए और अपॉन में ये है आपका ए प्लस टू ए प्लस रूट थ्री ए सॉल्व करने पर देखिए ये आपका वन बाई थ्री है थ्री प्लस ए थ्री ए प्लस ए फोर ए फोर ए से आपको मिल जाएगा टू रूट ए और अगेन टू रूट ए और डिनोमिनेटर में अगेन वही राशि है रूट थ्री ए रूट थ्री ना तो ये आपका हो गया वन बाई थ्री न्योमिनेटर में आपको मिल जाएगा फोर रूट ए डिनिनेटर में मिल जाएगा टू रूट थ्री ए, अब रूट थ्री ए रूट थ्री ए को कैंसिल कर सकते हैं तो ये आपको मिल जाएगा फोर रूट ए और डिनोमिनेटर में थ्री टू जा सिक्स और ये रूट थ्री और रूट ए तो रूट ए और रूट ए कैंसिल, आपको मिल जाएगा फोर अपॉन सिक्स रूट थ्री अब फोर को हम दो से कैंसिल कर सकते हैं दो दो चार और दो तिया छः तो इस तरीके से दो बटे तीन वर्गमूल तीन ये हमको यह मान मिल रहा है और ये मान किसका है तो जो हमको प्रश्न में दिया गया था वो क्वांटिटी हम ले लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपको मिल रहा है टू अपॉन थ्री स्क्वायर रूट थ्री सो दिस इज द आंसर जो हमको सॉल्व करने के लिए कहा गया था इसके बाद हम आगे कुछ महत्वपूर्ण सीमाओं को देखेंगे या फिर कुछ प्रमेय देखेंगे जहाँ पर डायरेक्टली प्रमेय का उपयोग करके आप कई प्रश्नों को सरल कर पाएंगे तो प्रमेय दिया गया है कि लिमिट एक्सटेंस टू एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन होल अपॉन एक्स माइनस ए इसकी लिमिट जो होती है वो कैलकुलेट करने पर आपको मिलता है एन इंटू ए का पावर एन माइनस वन वेन या ए इज़ ग्रेटर देन जीरो ए का मान जब शून्य से बड़ा होता है तब तो इसके लिए हमें यह मान मिलता है तो चलिए इसकी थ्योरम को हम प्रूव करके देखते हैं कि किस तरीके से ये हमको रिज़ल्ट मिलता है रिजल्ट के लिए आपको बाइनोमियल थ्योरम द्विपद प्रमेय आना चाहिए और अगर वो आपको पता है तो आप काम करके निकल जाएंगे चलिए देखते हैं तो इसका हम प्रूफ देख रहे हैं कि माना x इज इक्वल टू ए प्लस एच ये है ठीक है तब अगर h जो है होगा वो जीरो की ओर टेंस्ट करेगा ठीक है एच जीरो के ऊपर अगर टेंस्ट करता है तो एक्स जो होगा वो ए की ओर टेंस्ट करेगा ठीक है तो इस प्रकार अगर मैं इस लिमिट को चेंज कर रहा हूँ लिमिट एक्स टेंस टू ए पहले हम एज इज लिखेंगे एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट हमने चेंज किया तो अब हमारा जो लिमिट होगा ये लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो जाएगा ये आपका ए प्लस एच को ए प्लस एच को हमने एक्स मान लिया है अब जब एच जीरो होगा एच जीरो की ओर टेंस करेगा तब एक एक्स जो होगा वो ए की ओर होगा या उल्टा कर सकते थे कि जब एक्स जो है वो ए की ओर टेंस करेगा तब एच जो होगा वो जीरो की ओर टेंस करेगा तो लिमिट हमारी बदल गई है अब आपको एक्स की जगह में ए प्लस एच रखना है तो आप लिखेंगे ए प्लस एच होल पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन ए प्लस एच माइनस ए है ना अब अंश में जो राशि है वहां से हम ए का पावर एन को कॉमन ले लेते हैं और यहां पर देखिए ये माइनस ए और प्लस ये दोनों कैंसल हो जाएगा डिनोमिनेटर में सिर्फ एच बचा होगा जब एच बचा होगा तो उसको हम वन बाई एच लिख सकते हैं सीधे तो ये हो गया लिमिट एच टेंस टू जीरो वन बाई एच अब न्यूमरेटर से अगर आप ए का पावर एन इसको कॉमन ले लेते हैं है ना ए का पावर एन अगर कॉमन लेते हैं तो आपको मिल जाएगा वन प्लस वन प्लस एच अपॉन ए और ये पूरे का पावर होगा एन और माइनस ए का पावर एन ये जो टर्म यहाँ पर दिया हुआ है है ना अब ये जो टर्म है इसको एजट लिख लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपॉन एच इसके बाद का जो टर्म है एक अ पावर एन दोनों टर्म पर है तो मैं सिंपली एक अ पावर एन को कॉमन ले लेता हूँ उसके बाद जो टर्म बच रहा है वन प्लस एच अपॉन ए होल पावर एन तो ये आप यहाँ पर द्विपद प्रमेय का हम उपयोग करेंगे और ये होल पावर एन है और माइनस वन ठीक है और इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये आप लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए का पावर एन अपॉन एच और इसके बाद में जो टर्म्स हैं पहला आपको मिल जाएगा वन दूसरा मिल जाएगा एन इंटू एच बाई ए ठीक है उसके बाद में आपको क्या मिल जाएगा एन इंटू एन माइनस वन और डिनोमिनेटर में टू का फैक्टोरियल है ना ये टू का फैक्टोरियल और एच बाई ए का पावर टू ये एच बाई ए पावर टू इसी तरीके से एच के हायर डिग्री टर्म आएंगे है ना एच के क्या मिलेंगे आपको हायर डिग्री टर्म मिलेंगे और माइनस वन अब एक काम करते हैं ये यहाँ से ये प्लस वन और ये लास्ट वाला माइनस वन ये दोनों कैंसल हो जाएगा दोनों कैंसिल होगा उसके बाद जो राशियाँ बचेंगी उसको हम लिख लेते हैं तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ए का पावर एन अपॉन एच और इसके बाद में जो टर्म्स आपको मिल रहे हैं ये है एन इन टू एच अपॉन ए प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू का फैक्टोरियल है ना और इन टू है एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इस तरीके से आप आगे लिख सकते हैं कि एच की उच्चतर घातों वाली पद घात वाले पद इसको आगे आपको इस तरीके से छोड़ देना है अब क्या करेंगे हर एक न्यूमरेटर में देखिए आप h को कॉमन ले सकते हैं है ना तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम h को कॉमन लेंगे और जो टर्म्स कैंसल हो रहे हैं उसको हम कैंसल कर देंगे ठीक है तो इसको हम आगे स्लाइड पर लेके चल रहे हैं अगले पेज पर और अब मैं डायरेक्टली h को कैंसिल कर रहा हूँ यह मान करके कि आपको ये समझ आ रहा है अब ये है लिमिट h टेंस टू ज़ीरो आपको मिल जाएगा ए का पावर एन h आपने कॉमन ले लिया था कैंसिल हो गया था तो यह आ गया एन अपॉन ए प्लस एन इन टू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू ठीक है और ये आपको मिल जाएगा h अपॉन ए स्क्वायर और ए की उच्चतर घात वाले पद इस तरीके से आपको मिलेंगे अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में एच नहीं है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये ए का पावर एन तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वो फ्री फ्रॉम एच है अब ये एन अपॉन ए तो ये एन अपॉन ए को आप रखिए ठीक है और इसके बाद वाला जो टर्म है तो एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल लेकिन आपने एच है यहाँ पर तो एच के बाद एच की वैल्यू अगर आप ज़ीरो रखेंगे तो उसके बाद इस टर्म में कुछ भी हो वो जीरो हो जाएगा और आगे भी जो टर्म है ये आपको ज़ीरो जीरो ज़ीरो जीरो, जीरो मिलते जाएंगे तो उन सारे टर्म को हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बच रहा है वो है ए का पावर एन और ये है एन अपॉन ए तो इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं एन ए का पावर एन माइनस वन तो इस तरीके से जो रिजल्ट मिल रहा है हमको ये रिजल्ट है लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए का पावर एन माइनस वन वैन ए इज ग्रेटर देन जीरो और यही हमको प्रूफ करने के लिए कहा गया था अब चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों पर जहाँ पर हम सीधे इसके पहले किए गए थ्योरम का प्रमेय का उपयोग करके हम सीधे सरल कर पाएंगे तो प्रश्न है कि सीमा ज्ञात कीजिए लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स का पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन तो इसके पहले कि मैं आपको वो ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। हमको वो लिमिट लिखना होगा कि लिमिट एक्स टेंस टू एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए का पावर एन ए का पावर एन माइनस वन तो यहाँ पर देखिए एक्स के जगह में तो एक्स है और ए के जगह में वन है और एन के जगह में फोर है सो दैट कैन बी रिटर्न एज लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स का पावर फोर माइनस वन का पावर फोर अपॉन एक्स माइनस वन इस प्रमेय का उपयोग करेंगे एन के जगह में है फोर तो मिल जाएगा फोर ए के जगह में है वन तो आपको मिल जाएगा वन ठीक है फिर एन माइनस वन तो फोर माइनस वन करेंगे तो मिल जाएगा थ्री सो दिस इज फोर इन टू वन का पावर थ्री सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा फोर तो यही वो एंसर है जो कि आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था इससे संबंधित एक और प्रश्न हल करते हैं फिर अगले प्रकार के प्रश्नों पर हम जाएंगे ये काफी अच्छा प्रश्न है लिमिट टेंस टू ए एक्स प्लस टू होल पावर थ्री बाई टू माइनस ए प्लस टू होल पावर थ्री बाई टू देन अपॉन x माइनस ए तो हमारा जो लिमिट वाला जो थ्योरम है ये कहता है कि लिमिट टेंस टू ए एक्स का पावर एन माइनस ए का पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए का पावर एन माइनस वन तो अंश में तो आपको न्यूमरेटर में आपको एक्स प्लस टू दिखाई दे रहा है लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ एक्स है अगेन यहाँ पर एक्स प्लस टू है और अगेन यहाँ पर ए है तो एक काम करते हैं हम टू को ऐड कर देते हैं और टू को सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस तरीके से आपको वो टर्म हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लिमिट एक्सटेंस टू ए हो गया और अंश में जो राशि है x प्लस ए होल पावर थ्री बाई टू माइनस ए प्लस टू होल पावर थ्री बाई टू इसको एज इज रख दीजिए है ना तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ x 2 minus a minus 2, प्लस टू माइनस ए माइनस टू देखिए प्लस टू मैंने ऐड किया और माइनस टू कर दिया तो यहाँ पर ये बैलेंस बन चुका है अब अगर यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर है ना तो ये ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये साइन जो होगा ये प्लस हो जाएगा सिंपल सी बात है अब हमको जैसा चाहिए था ये वैसा ही हो चुका है एक्स के जगह में यहाँ पर एक्स प्लस ए है और ए के जगह में यहाँ पर ए प्लस टू है ठीक है तो आ, लिमिट अगर आप चेंज करके देखना चाहें तो कर सकते हैं वैसे ज़रूरत नहीं है डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आ, तो यहाँ पर हम लिमिट को चेंज करेंगे और लिमिट को चेंज करने के लिए हम बोथ साइड ऐड कर देंगे कि अगर एक्स प्लस एक्स टेंस टू ए है इसको इस तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं कि अगर एक्स टेंस टू ए है और तो इस तरीके से एक्स प्लस टू टेंस टू ए प्लस टू हो जाएगा सिंपल सी बात है लिमिट अगर हम चेंज कर रहे हैं तो दोनों तरफ चेंज हो जाएगा तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे कि लिमिट एक्स प्लस टू टेंस टू ए प्लस टू ऐसा करेंगे और आपको लिखेंगे एक्स प्लस ए होल पावर थ्री बाई टू माइनस ए प्लस टू होल पावर थ्री बाई टू और डिनमिनेटर में वो क्वांटिटी की एक्स प्लस टू और माइनस ए प्लस टू ठीक है एन एन के जगह में है आपका थ्री बाई टू ए के जगह में है आपका ए प्लस टू तो आप लिखेंगे ए प्लस टू पावर एन बाई टू सॉरी एन माइनस वन तो ये थ्री बाई टू माइनस वन ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपको मिल जाएगा थ्री बाई टू ए प्लस टू पावर देखिए ये मिल जाएगा थ्री माइनस टू मिल जाएगा वन वन बाई टू ये आपको मिल गया वन बाई टू सोल्व करने पे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं रूट थ्री बाई टू और रूट में है ए प्लस टू ठीक है ऐसा भी लिख सकते हैं तो हमको जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर हम सीधे लास्ट में वन लाइनर लिख लेते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन दिया गया था और इसकी वैल्यू हमें हमने जो कैलकुलेट किया है वो हमको मिल रहा है दिस इज थ्री बाई टू ए प्लस टू होल पावर वन बाई टू ऐसा भी लिख सकते हैं या स्क्वायर रूट में लिखना चाहें तो स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं तो ये हमने दो प्रश्न कर लिए जिस थ्योरम को हमने थोड़ी देर पहले देखा था अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ त्रिकोण फलनों से संबंधित परिमय प्रमेय और उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों को सरल करेंगे